फिजिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। आज के फर्स्ट ईयर के प्रैक्टिकल सेशन में हम लोग एक एक्सपेरिमेंट के बारे में जानेंगे कि इस एक्सपेरिमेंट को कैसे करते हैं। तो आइए देखते हैं। उद्देश्य है बर्नियर कैलिपर्स की सहायता से दिए गए आयताकार कांच के गुटके का आयतन ज्ञात करना। इसमें क्या क्या सामग्री की आवश्यकता होगी? कांच का आयताकार गुटका और बर्नियर कैलिपर्स। यंत्रकाल पतमांक वह छोटी से छोटी माप है जिसे उस यंत्रकाल पतमांक कहते हैं। तो यहाँ पर बर्नियर से हम लोग इसका मापन करेंगे। तो सबसे पहले हमें बर्नियर काल पतमांक की आवश्यकता होती है। तो बर्नियर काल पतमांक बराबर होता है मुख्य पैमाने के एक खाने की लंबाई बटा बर्नियर पैमाने पर बने कुल खानों की संख्या। मुख्य पैमाने पर एक सेंटीमीटर 10 छोटे छोटे भागों में बटा हुआ, अर्थात एक खाने का मान है 1 मिलीमीटर, अर्थात 1/10 सेंटीमीटर। और बर्नियर पैमाने पर कुल खानों की संख्या है 10, तो इस तरह से हो गया 1/10/10, अर्थात 1/100 सेंटीमीटर, यानी 0.01 सेंटीमीटर। तो ये बर्नियर का अल्पतमांक है। बर्नियर कैलिपर्स द्वारा जो शुद्ध माप ली जाती है वह बर्नियर का कुल पाठ्यांक बराबर मुख्य पैमाने का पाठ्यांक प्लस बर्नियर का वह खाना जो मुख्य पैमाने के ठीक सीध में है और गुणे बर्नियर का अल्पतमांक माइनस चिन्ह सहित शून्यांक त्रुटि। अर्थात इसको हम लिख सकते हैं MSR प्लस VSD इंटू लिस्ट काउंट माइनस जीरो एरर विद साइन। अब इस इंस्ट्रूमेंट में जो इंस्ट्रूमेंट आज हम लोग प्रयोग कर रहे हैं अर्थात बर्नियर कैलिपर्स, इस बर्नियर कैलिपर्स में ये देखेंगे कि इसमें कोई एरर है कि नहीं। तो सबसे पहले आप इसके जबड़ों को टाइट करेंगे और ये देखेंगे कि क्या ये देखिए इसके बर्नियर पैमाने माने बर्नियर का जो शून्य है और मुख्य पैमाने का शून्यांक है दोनों एक ठीक सीध में है, अर्थात इसमें कोई शून्यांक त्रुटि नहीं है। अब आप क्या करेंगे कि इसे ओपन करके और इसके जबड़ों के बीच में सबसे पहले हम इसके लंबाई का मापन लेंगे। तो लंबाई के मापन के लिए आप इसके बीच में ये देखें कि बर्नियर कैलिपर्स के निचले जबड़े के बीच में इसे ऐसे रख करके और टाइट करेंगे। टाइट करने के बाद इसकी तीन पोजीशन होगी, ये इसकी लंबाई होगी, इसी की तरह ये इस ग्लास स्लैब की यहाँ से यहाँ तक की ये चौड़ाई होगी और ये इसकी मोटाई होगी। तो अगर हम इसकी लंबाई चौड़ाई और मोटाई तीनों ही निकाल लें तो हम इसका आयतन ज्ञात कर सकते हैं। तो अब आइए सबसे पहले हम इसमें देखते हैं कि इसकी लंबाई हम कैसे निकालें। तो लंबाई के लिए आप इसके निचले दोनों जबड़ों के बीच में इसको टाइट कर देंगे। टाइट करने के बाद इसकी रीडिंग आप लेंगे। तो लंबाई के लिए 3 रीडिंग, चौड़ाई के लिए 3 और इसी तरह मोटाई के लिए 3 रीडिंग निकालेंगे। तो आप देखें जो है ये पहली पोजीशन है, इस पहली पोजीशन में हम इसकी रीडिंग कैसे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि इसे मुख्य पाठ्यांक कितना है। तो मुख्य पाठ्यांक अब इसको मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। ये देखें इसमें जो बर्नियर का 0 है वह मुख्य पैमाने के कहां पर इंकित कर रहा है। तो इसमें आप अगर देखें तो ये पोजीशन इसकी यहां पर आपको दिख रही होगी, अर्थात यह बर्नियर कैलिपर्स का ये जो मुख्य पैमाना था यह मुख्य पैमाना है 7.5। ये देख रहे होंगे कि 8 है, 7.5 मुख्य पैमाने का पाठ्यांक हो गया। अब आप देखोगे कि इसमें
कौन सा खाना ठीक सीध में है? तो पहला जो है जीरो है, इसको छोड़ देते हैं। एक दो तीन चार पांच छ सात। अब आप देखिए कि ये आठवां खाना उस ऊपर वाले खाने के ठीक सीध में है, तो बर्नियर का जो पाठ्यांक होगा वह 8 होगा। अब आप इसे जो है अपने ऑब्जर्वेशन टेबल में नोट कर लेंगे। इसी तरह से इसकी दूसरी पोजीशन में ग्लास स्लैब कहीं हो सकता है कि थोड़ा मोटा या पतला हो, तो आप इसके अलग अलग स्थितियों में निकालेंगे। यह इसकी दूसरी स्थिति है। इस दूसरी स्थिति के लिए फिर आप जो है इसको इसके मुख्य पैमाने के पाठ्यांक और वर्नियर के पाठ्यांक को पढ़ लेंगे। तो यहाँ पर भी आप देखें तो बर्नियर का जो मुख्य पैमाने का पाठ्यांक है वह 7.5 सेंटीमीटर है। बर्नियर खानों की संख्या के लिए आप देखेंगे, तो बर्नियर खानों की संख्या के लिए आप देखेंगे तो आप इसके इसी ये जूम करके आप देखें। अब इसमें आप देख सकते हैं कि कौन सा खाना ठीक सीध में मिल रहा है। तो इसमें आप देखें कि जो 9 नंबर का खाना है, 9 नंबर का जो खाना है मुख्य पैमाने का पाठ्यांक, अब ये देखें ये 8 है इसके पहले। अब ये जो है बर्नियर का जीरो है, तो बर्नियर का जीरो 7.5 और 6 के बीच में है, तो जिसके बाद होगा तो ये 7.5 हो गया मुख्य पैमाने का पाठ्यांक, जिसको आप MSR कहते हैं। अब आप देखेंगे बर्नियर खानों की संख्या जो मुख्य पैमाने के खाने के ठीक सीध में है, तो यहां से शुरू करेंगे। पहला जीरो है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9वां खाना आप देख रहे होंगे कि इसके ठीक सीध में है, तो बर्नियर का जो पाठ्यांक है यह 9 हो गया। अब इसे आप ऑब्जर्वेशन टेबल में लिख लेंगे और लिखने के पश्चात ये आपकी लंबाई मिल जाएगी। तो इस तरह से पहले केस में 9, दूसरे में 8, तीसरे में 9 करके मिला था। इसको फाइनली निकालने पर ये आपको मिला 7.59, 7.58 और 7.59। अब इसका मध्यमान निकालेंगे, तो लंबाई का मध्यमान तीनों को जोड़ करके और 3 से भाग दे देंगे, तो ये वैल्यू आ गई 7.5866। वर्नियर कैलिपर्स पे दशमलव के दूसरे स्थान तक हम करेक्ट निकालते हैं, तो हम इसकी जो वैल्यू लेंगे वह दशमलव के दूसरे स्थान तक लेंगे, तो 7.5866 है, इसे आप राउंड ऑफ करेंगे तो 8 का 9 हो जाएगा। तो इस तरह से इसकी लंबाई हो गई L=7.59 सेंटीमीटर। अब इसकी चौड़ाई के लिए निकालेंगे, तो चौड़ाई के लिए निकालेंगे तो देखें उसकी जो चौड़ाई है, उस चौड़ाई के ग्लास स्लैब को उसके दोनों जबड़ों के बीच में दबाएंगे। तो इस तरह से आप देखें कि ये ग्लास स्लैब दोनों जबड़ों के बीच में दबा हुआ है। और अब यहां पे इसका पाठ्यांक पढ़ेंगे, तो इसका पाठ्यांक पढ़ने के लिए आप देखें कि अगर ये देखें कि ये वैल्यू कितनी पड़ रही है, यह है 5 है, ये जो है 5 है, तो इसका मतलब हो गया कि ये 4.5 हुआ। और 4.5 के बाद अब यहां पर आपको देखना है कि 6 एग्जैक्ट तो नहीं दिख रहा इसमें, तो इसका मतलब 4.5 मेन स्केल हो गया और कौन सा खाना इसके ठीक सीध में है। तो इसमें आप देखें तो ये 9 नंबर का जो खाना है यह इसके ठीक सीध में दिख रहा है। इसी तरह से इसके जो है दूसरे ऑब्जर्वेशन में, यानी लंबाई की पोजीशन, चौड़ाई की पोजीशन को चेंज करके और निकालेंगे। तो अब यहां पर देखें आप, इसमें आप थोड़ा क्लियर देख सकते हैं कि कौन सा खाना ठीक सीध में मिल रहा है। तो यहां से अगर आप देखें तो ये नहीं है, ये भी नहीं है। अब आप यहां पर आप देखें तो आप ये कह सकते हैं कि जो 6 नंबर का खाना है, छठा खाना है, यह खाना ठीक सीध में है, तो बर्नियर पाठ्यांक हो जाएगा 6 और मुख्य पैमाने का पाठ्यांक है 4.5। और इस तरह से आप उसको ऑब्जर्वेशन टेबल में नोट कर लेंगे। नोट करने के बाद इसकी तीसरी पोजीशन इसी तरह से आप निकालेंगे और फिर इसका जो है मुख्य पैमाने का पाठ्यांक तो अपरिवर्तित रहता है लगभग। अब आप ये देखें इसकी एक तीसरी पोजीशन, इस तीसरी पोजीशन में इसकी रीडिंग आप निकालें, तो इसके लिए आप देखें
ये देखें तो 4.5 और खानों की संख्या कौन सी मिल रही है आपको। अब आप खुद देख सकते हैं कि कौन सा खाना ठीक से में दिख रहा है। अब इसके लिए यहाँ पर आप देखें तो आप ये कह सकते हैं कि इसका 7, 8 आठवां खाना जो है ठीक सीध में मिल रहा है। तो इस तरह से आप इसकी लंबाई के लिए टेबल को जो ऑब्जर्वेशन टेबल है, अब देखिए इसको जूम करके मैंने ये आपको दिखाने के लिए प्रयास किया है। ये देखिए इसका छठा खाना ठीक सीध में दिख रहा है। इसी तरह से इसको हम भर लेंगे। तो ये देखें मुख्य पैमाने का पाठ्यांक 4.5, वर्नियर पहले पोजीशन में 6 था, दूसरे में 8 था, तीसरे में 6 था, और इस तरह से 4.56, 4.58 और 4.56 सेंटीमीटर मिला। अब इस चौड़ाई का मध्यमान निकाल लेंगे तीनों को जोड़ करके और 3 से भाग दे देंगे। तो इस तरह से ये वैल्यू मिलती है 4.5666। अब दशमलव के दो स्थान तक तो ये 6 कटेगा तो ये 7 हो जाएगा, तो ये हो गया B=4.57। अब इसी तरह से इसकी मोटाई के लिए आप उसकी मोटाई वाले पोजिशन में ग्लास स्लैब को रख करके और उसको टाइट करेंगे। टाइट करने के पश्चात अब आप ये देखेंगे कि इसमें मुख्य पैमाने का पाठ्यांक कितना है। तो इस मुख्य पैमाने के पाठ्यांक के लिए आप ये मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखाता हूं। ये देखिए ये 2 है, तो जब 2 है तो 2 के पहले है, अर्थात ये देखें 1.5678 8 के बाद है और 9 के थोड़ा सा पहले है, तो मुख्य पैमाने का पाठ्यांक होगा 1.8। अब कौन सा खाना ठीक सीध में मिल रहा है, तो यहां से अगर आप देखें तो आप कह सकते हैं कि ये 9 नंबर का जो खाना 9 और 8 में से आप खुद देख सकते हैं, तो मुझे लग रहा है कि ये 9 नंबर का खाना जो है ठीक सीध में है, तो ये बर्नियर का पाठ्यांक हो जाएगा लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करने के पश्चात। अब इसकी जो है दूसरी पोजीशन, थोड़ा उसकी पोजीशन को चेंज कर देंगे क्योंकि हो सकता है कि थिकनेस जो है हर जगह एक जैसी ना हो। तो इसकी रीडिंग नोट करने के लिए आप ये देखें कि मुख्य पैमाने का पाठ्यांक कितना है, तो यहां पर आप देख रहे होंगे कि ये एग्जैक्ट 1.9 बता रहा है। तो जब 1.9 बता रहा है तो बर्नियर का जो पाठ्यांक होगा वह 0 होगा। इस पॉइंट को नोट करिए कि अगर जो है बर्नियर का 0 उसके ठीक सीध में है तो इसका मतलब कि वही रीडिंग होगा, अर्थात और कोई भी खाना आप एग्जैक्ट देखें तो नहीं मिलेगा, अर्थात इसकी वैल्यू हो गई 1.9 और बर्नियर का पाठ्यांक हो गया 0। यह इसकी तीसरी पोजीशन। इस तीसरी पोजीशन में आप ये देख सकते हैं इसमें भी 1.9 पड़ रहा है। तो अब ये इसकी मोटाई मिल गई। अब इस मोटाई में आप इस टेबल को भर लेंगे, तो देखें दो पोजीशन में आपको 0.0 मिला था वर्नियर का, तो इस हिसाब से इसकी वैल्यू आ गई, मोटाई का मध्यमान निकालेंगे तो 1.89, 1.90 और 1.90 को जोड़ करके 3 से भाग दे देंगे, ये वैल्यू आएगी 1.8966। और इसे आप जो है राउंड अप करेंगे दशमलव के दूसरे स्थान तक तो ये 6 कटेगा तो ये 89 का 90 हो जाएगा। तो इस तरह से 1.90 सेंटीमीटर ये मिल गया। अब आपको पता है कि किसी आयताकार गुटके का आयतन है तो उसका आयतन कितना होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे मोटाई, यानी LBH लंबाई 7.59 सेंटीमीटर, चौड़ाई 4.57, मोटाई 1.90 सेंटीमीटर। इस तरह से मल्टीप्लाई करें तो 65.90397 घन सेंटीमीटर मिला दशमलव के दूसरे स्थान तक। तो ये देखें 5 से छोटा है तो ये कट करके खत्म हो जाएगा, तो भी की वैल्यू आ गई 65.90 घन सेंटीमीटर। अब रिजल्ट लिखेंगे आप, तो ये परिणाम दिए गए कांच के आयताकार गुटके का आयतन 65.90 घन सेंटीमीटर। इस एक्सपेरिमेंट को करने में कुछ सावधानियां भी बरतनी होती हैं, यह सावधानी क्या होगी। सबसे पहले तो यह है कि प्रयोग से पहले बर्नियर कैलिपर्स को जांच लेना चाहिए कि वह ठीक से कार्य कर रहा है कि नहीं, अर्थात कभी कभी होता है कि उसके कोई पार्ट जो है, सपोज कर लीजिए कि उसका स्क्रू टाइट है तो इजीली जो है वो मूव नहीं करता है, इसलिए आप उसको पहले चेक कर लें। बर्नियर का पाठ्यांक और शून्यांक त्रुटि सावधानी पूर्वक परिकलित करके नोट कर लेना चाहिए। सबसे पहले तो आप यही इसमें देखेंगे
कि वर्नियर का जो शून्य है और मुख्य पैमाने का शून्य है वो दोनों एक ठीक सीध में है कि नहीं। अगर नहीं है तो शून्यांक त्रुटि है, और जब शून्यांक त्रुटि है तो आप ये देखेंगे कि धनात्मक है या ऋणात्मक है। अगर धनात्मक या ऋणात्मक जो भी है तो आप उसकी वैल्यू को ज्ञात करेंगे, कॉपी में नोट करेंगे, और जब आप फाइनल कैलकुलेशन करते हैं लंबाई चौड़ाई या मोटाई के लिए तो शून्यांक त्रुटि को चिन्ह सहित उसमें से घटाते हैं। इस यंत्र में शून्यांक त्रुटि शून्य है, इसलिए शून्यांक त्रुटि का कॉन्सेप्ट इसमें कहीं नहीं आया है। तीसरा, कांच के गुटकों को जबड़ों के बीच कस कर पकड़ना चाहिए, ऐसा न रहे कि वो ढीला रहे, तो मुख्य पैमाने का पाठ्यांक बार बार बदलेगा और इसी तरह से वर्नियर का पाठ्यांक भी आपको करेक्ट नहीं मिलेगा।